हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। मेरा नाम है अर्थेश कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया की मदद लाइन यानी कि बॉलीवुड हेल्प लाइन। राखी सावंत एक ऐसा नाम है जो आग की तरह हर जगह फैला हुआ है, साथ ही वो जहाँ भी जाती हैं एक चर्चा का विषय बन जाती हैं। वैसे ही हुआ उनके दुबई वापसी आने के बाद रिसेंट मीडिया इंटरेक्शंस में, जहाँ पे उन्होंने आदिल खान के लाइव वीडियो, जो वायरल वीडियो थी उनकी जो बहुत वायरल हो रही थी, उनकी जेल वाली बात पे उस बात पे रिएक्शन देते हुए उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि आदिल खान कोई नहीं होते उनको जेल भेजने वाले। अगर मुंबई पुलिस को लगता है कि उन्होंने कुछ गलती की है तो वो उन्हें उस बात की सज़ा ज़रूर देंगे, और उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो आदिल खान चाह कर भी उन्हें जेल नहीं भेज पाए। उसके बाप का कानून है क्या? नहीं नहीं, देखिए वो अपने आप को क्या समझता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं मुझे सिखाएगा मीडिया से, मीडिया में कैसे आना, मीडिया से आँख मिचोली खेल रहा है। उसके बाप का कानून है क्या हिंदुस्तान का? हाँ, वो खुद को पुलिस या कानून थोड़ी समझ रहा है। उसके कहने से पुलिस और कानून काम करेगी? जो खुद ही क्रिमिनल है, जिसके पास हजारों केसेस खुद पे हैं, वो दूसरे पे एलिगेशन लगा रहा है। उसकी भैया उसके मैसूर में उसके 25-25 केसेस है, हिंदुस्तान में यहाँ पे मुंबई में उसके 4-4, 5-5 केसेस है, 10-12 केस अभी और आने वाले हैं। वो राखी सावंत को सिखाएगा और हिंदुस्तान के कानून को सिखाएगा, मुंबई के पुलिस को सिखाएगा कि राखी को अरेस्ट करो। साथ ही उन्होंने आदिल खान की दूसरी बीवी को आगाह करते हुए ये तक कहा कि वो उनसे कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई भी चीज़ उनके नाम ना करें, क्योंकि आदिल खान उस चीज़ के लायक नहीं है। वो ये सब चीज़ें राखी सावंत के साथ पहले कर चुके हैं और वो ये सब चीज़ों को लेके भाग जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके दोस्त, राखी सावंत के जो अजीज दोस्त हैं, जो रिसेंट मीडिया इंटरेक्शन में उनके साथ देखे भी गए थे, उन्होंने उन्हें कुछ झुमके गिफ्ट किए थे, आदिल खान वो तक लेके चले। कहती हूँ बेचारी वो लड़की को, अपना प्रॉपर्टी उसके नाम करना मत। मेरा तो इसने सारा जेवर लेके भागा है, जो कि जेवर मुझे रितेश जी ने गिफ्ट किए थे। इनके जेवर ही इन्होंने मुझे गिफ्ट किए थे जेवर, एम आई राइट? आदिल खान साथ में उनसे आज भी जुड़े रहना चाहते हैं। इस बात की पुष्टि खुद राखी सावंत ने रिसेंट मीडिया इंटरेक्शंस में की है कि वो उन्हें आज भी मैसेजेस भेजते हैं, फ़ोटोज़ भेजते हैं जो उन्हें नहीं भेजनी चाहिए, जो कि बहुत गलत फ़ोटोज़ हैं, जो कि एक चर्चा का विषय बनता जा रहा है। और अभी एक वीडियो वायरल, क्या बोलते हैं आप लोग, बोलते हो ना कि किया है कि मुझे एडवोकेट का कॉल आया है कि राखी को माफ़ कर दो, मुझे राखी का मैसेज आया है मेरे फ़ोन में। आप लोग देखो, आज तक मैंने उस गधे को, उस जिंदगी जो ख़राब करता है वो बंदा हर औरतों की, उसको कभी भी मैंने कोई मैसेज किया नहीं है। उसका ही फ़ोन आता है और दूसरी शादी के बाद सोमी, एक अच्छी लड़की, शरीफ लड़की, दूसरी शादी करी उसने, मुझे डाइवोर्स दिए बगैर, शादी के बाद भी मुझे अपना मुलुंड दिखाता है। वो अपने मुलुंड दिखाते हैं, मुलुंड के फोटो भेजता है, हैं शर्म नहीं आती? शादीशुदा होके भी मुझे मुलुंड के फोटो भेजता है, शेम ऑन यू। समस्या क्या है तू अपने आप को? इस बात पे चर्चा करते हुए उनके दोस्त ने ये तक कह दिया कि अगर आदिल खान ऐसी चीजें फ्यूचर में करते रहते हैं तो वो उन पे केस तक कर सकते हैं। बड़ी सीवियर क्राइम है, आप किसी भी लड़की को आप ये फोटो भेज नहीं सकते हो ऐसे। हम लोग उस पर सीरियस एक्शन लेंगे और जितना भी है, लाइक ये राखी को जितने भी टॉर्चर किए हैं, इवन इसके बहुत सारे वॉइस रिकॉर्डिंग है जिसमें ये बोलता है कि मुझे प्रॉपर्टी तुम्हारी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग लीगल एक्शन में लेंगे। मुझे प्राइवेट उसने मुलुंड का फोटो भेजा है, मुझे उसने मुलुंड का फोटो भेजा है। वो लैंड क्रूज अपने आप को समझता क्या है? हैं, मैं सिंगल हूँ, जब उसको मुझे उसको शेम ऑन हिम, यू नो, कि शादी उसने अपनी शादी कर ली फिर भी मुझे अपने मुलुंड का फोटो भेजता है। हाँ भाई, मुझे कहता है डिड यू मिस दिस? अरे तेरी मूंगफली को कौन मिस करेगा भाई? हैं, राखी सावंत को मूंगफली नहीं चाहिए?
हालांकि इस बात पे अभी तक आदिल खान का कोई रिएक्शन आया नहीं है, पर अगर उनका कोई रिएक्शन आता है तो वो बताएंगे हम यहाँ आने के बॉलीवुड हेल्पलाइन पे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन। धन्यवाद।